हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का डी की तरफ से जो आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर थ्री मिला हुआ है ये जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना डी की तरफ से उसी में बुक में लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं तो प्रैक्टिस पेपर वन और टू हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड वालों का था दोनों ही पेपर की वीडियो चैनल पर अपलोड है आप वहाँ से कर सकते हैं प्रैक्टिस पेपर थ्री भी हमने स्टार्ट कर लिया था इसके हमने एक सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था सेक्शन ए e. आज हमारे को सेक्शन बी स्टार्ट करना है जिसमें टोटल फाइव क्वेश्चन हैं और टू मार्क्स ईच हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एंगल एम इजिकल टू एंगल एन इजिकल टू फोर्टी सिक्स डिग्री एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी आपको देखो ये एक फिगर दे रखी है इसमें आपको क्या करना है आपको ये दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो आपको इस एक्स को एक्सप्रेस करना है ए बी सी की फॉर्म में तो हम क्या करते हैं पहले जो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना इन्हें सिमिलर प्रूफ कर देते हैं आसानी से हो जाएंगे कैसे तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक तो दोनों एंगल्स मुझे यहाँ पर फोर्टी सिक्स डिग्री दे रखे हैं दूसरा दोनों में एंगल के मेरे पास कॉमन हो जाएगा तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल एल एम के है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एन के के एंगल एंगल से ठीक है ना क्योंकि एक दोनों फोर्टी सिक्स है मेरे पास और एक एंगल के दोनों में कॉमन है तो जब ये हमारे सिमिलर हो गए हैं तो इसकी साइड्स का प्रोपोर्शन मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पर तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एल एम है एल एम अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है अपॉन में मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर पी एन ठीक है पी एन आपके पास ये है इज इक्वल्स टू में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास दूसरा है एम के और अपॉन में हो जाएगा मेरे पास एन के ठीक है एल एम जो मुझे दे रखा है वो ए दे रखा है और पी एन मेरे को एक्स दे रखा है एम के जो है वो मेरे पास बी प्लस सी है और एन के जो है वो सी है अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है ना तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ए सी इज़ इक्स टू एक्स इंटू में यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी तो यहाँ से मेरी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए सी या में बी प्लस सी इज इक्ल टू एक्स यही मेरा आंसर है एक्स को आपको ए बी सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो हमने यहाँ वो रिप्रेजेंट कर दिया क्लियर चलिए लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है पर चैप्टर सेम है चैप्टर नंबर सिक्स का ही तो आप इसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं तो इसमें आपके पास क्या है आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इकल टू क्यू एस अपॉन पी आर एंड एंगल वन इज इकल टू एंगल टू देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू सॉरी ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइ एंगल टी क्यू आर आपको दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है आपको क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी हैं एंगल वन एंगल टू के इक्वल है अब देखो जब एंगल वन एंगल टू के इक्वल है क्वेश्चन में तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी तो मैं ये कह सकती हूं कि यहाँ पर पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर होगा रीजन आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल इक्वल एंगल्स आर इक्वल ठीक है ना अब अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की यहाँ पर बात करूँ इन ट्राइंगल एक तो पी क्यू एस ले लिया मैंने अपना और एक टी क्यू आर ले लिया इनको सिमिलर प्रूफ करना है ना मुझे तो एक तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है कि जो मेरा क्यू आर है वो क्यू टी के बराबर है बराबर जो क्यू एस है वो पी आर के बराबर है ठीक है अब मैंने इस पी आर की जगह मैं पी क्यू भी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ऊपर मैंने प्रूफ कर दिया है तो क्यू आर अपाउन में क्यू टी हो जाएगा बराबर में हो जाएगा क्यू एस अपाउन में पी क्यू यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रॉम वन और इसको अपनी इक्वेशन वन मान लेती हूँ ठीक है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन ही था और दूसरा देखा जाए तो एंगल क्यू दोनों में कॉमन है एंगल क्यू इज इकल टू एंगल क्यू ये कॉमन है तो यहाँ से मेरे दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूव हो गए ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के कौन से क्राइटेरिया से हो गया यहाँ पर मेरा एस सी एस क्राइटेरिया से क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर आते हैं इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर फॉर वट वैल्यू ऑफ़ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकन्सिस्टेंट तो इनकन्सिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है कि जो ए वन अपॉन ए टू है वो बी वन अपॉन बी टू के तो इक्वल होता है लेकिन वो सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं होते हैं यही होती है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए वन है मेरे पास के ए टू है मेरे पास ट्वेल्व बराबर में बी वन है मेरे पास थ्री बी टू है के नॉट इक्वल टू सी वन है मेरे पास के माइनस थ्री और ये है मेरे पास के पहले इन दोनों को यूज़ करती हूँ तो के स्क्वायर इजिकल्स टू में थर्टी सिक्स आ जाएगा तो यहाँ से मेरी के की वैल्यू निकल के आ गई है प्लस माइनस का सिक्स अब इन दोनों को यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा थ्री के नॉट इक्वल टू में के स्क्वायर माइनस का थ्री के ठीक है थ्री के इधर ले आई तो ये प्लस का थ्री के हो गया नॉट इक्वल टू में के स्क्वायर तो सिक्स के यहाँ से एक के कट गया तो जो के है ना वो सिक्स के बराबर नहीं होगा तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा जो के है वो माइनस सिक्स होगा क्योंकि यहाँ से हमने के की दो वैल्यू निकाली थी प्लस माइनस सिक्स और यहाँ से हमने निकाला कि जो के है वो तो सिक्स के बराबर हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब के सिर्फ माइनस सिक्स होगा फिर क्लियर चलिए क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री में आपसे क्या कह रहे हैं इफ़ साइन ए साइन ए माइनस बी इज़ वन बाई टू एंड कॉस ए प्लस बी इज़ वन बाई टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं टिक्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके पास आपसे कह रहे हैं यहाँ पर साइन ए माइनस बी जो आपके पास है वो है वन बाय टू तो वन बाय टू थर्टी भी होता है ना तो मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया साइन थर्टी ठीक है तो मेरा यहाँ से ए माइनस बी निकल के आ गया थर्टी डिग्री एक और चीज़ दे रखी है मुझे यहाँ पर कॉस ए प्लस बी वो कितना कितना दे रखा है मुझे यहाँ पर वो भी वन बाय टू दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस में वन बाई टू होता है कॉस सिक्सटी पर तो ये हो गया कॉस सिक्सटी तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू में सिक्सटी डिग्री इसको इक्वेशन वन ले लिया इसको इक्वेशन टू ले लिया सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी इजिकल्स टू में थर्टी डिग्री यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी इजिकल्स टू में सिक्सटी डिग्री तो ये तो कट गया देखो ये आ गया टू एज इक्वल्स टू मैं नाइनटी डिग्री ए की वैल्यू यहाँ से फोर्टी फाइव आ गई इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ पुट कर देती हूँ इक्वेशन टू में ताकि बी की वैल्यू निकाल सकूँ तो इक्वेशन टू मेरे पास है यहाँ पर ए प्लस बी इसी कल्स टू में सिक्सटी डिग्री है तो इसका मतलब फोर्टी फाइव प्लस का बी इसीकर्स टू में सिक्सटी डिग्री आ जाएगा तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टीन डिग्री आ गई इस क्वेश्चन में आपको ए और बी फाइंड करना था क्लियर आज ह्वेश्चन ट्वेंटी थ्री तक ही करेंगे ट्वेंटी वन से ट्वेंटी थ्री कम्प्लीट हो गए हैं ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव दो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी फिर हमारा सेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा इन तीन क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू